हमारे चैनल डिजायर पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं कि वीडियो का लेक्चर नंबर, दोस्तों हम लोगों का दूसरा स्टार्ट हो चुका है और लेक्चर आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें देख करके चलते हैं कि विलियन के आगे का जो हमारे पास में पार्ट था वो चीज़ें हमारे पास में क्या हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आप देख करके चलेंगे कि जैसे हमको करा है कि विलियन का दोस्तों हमारे पास में लेक्चर नंबर 2 है। जो बच्चे वीडियो अगला नहीं देखे हैं जा करके वो पहले लेक्चर को बच्चों कंप्लीट करो, तब जा करके आप लोगों के पास में दूसरा लेक्चर अच्छे तरीके से आपके समझ में आ सकता है। तो आज का दोस्तों लेक्चर नंबर 2 है, पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जा करके सभी को क्या करें अच्छे तरीके से देख लें और आज की क्लास हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देरी ना करते हुए हम लोग चीजों को क्या करते हैं स्टार्ट करके चलते हैं कि सर आज हमारे हमको इस क्लास में क्या पढ़ करके चलना है। बच्चों अगर यहां पर मैं ये बात करूं कि विलियन के टॉपिक के अंतर्गत ही हमको अगर चीजों को लेकर के चलना है तो हमारे पास में ये क्या होकर के जाएंगी, हमको और किस किस चीजों का इसमें अध्ययन करके चलना है बच्चों। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग चीजों को यहां से समझते हैं। कल हमने सर पढ़ाया क्या था, तो कल हमने आप लोगों को बच्चों यहां से ये पढ़ा दिया था कि जैसे आप लोगों को यहां पर देता है कि विलयन क्या होता है, बोलो कल आप लोगों को मैंने ये बता दिया था और पूरी की पूरी क्लास हमारे इस टॉपिक पर टिकी रही कि विलयन किसे कहा जाता है। विलयन में बच्चों हमारे पास में निर्माण होता है विलयन का, एक हमारे पास में क्या होगा विलय और दूसरा हमारे पास में क्या होता है विलायक होता है। इसका मतलब विलय और विलायक को जब हम मिलाते हैं तब जाकर के बच्चों क्या बनेगा विलयन बनेगा, तो ना इतना तो कल बताए थे। और हमने ये भी कहा था कि जो हमारे पास में विलयन होता है इस विलयन का नाम क्या होता है बच्चों, तो कह रहा है कि विलयन का नाम हमारे पास में दूसरा होता है, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। बोलो क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है समांगी मिश्रण बोला जाता है। इसका मतलब जो हमारे पास में समांगी मिश्रण होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विलयन। अच्छा सर समांगी मिश्रण क्या होता है ये बताइए बच्चों, ये बात मैंने बता दिया है। फिर यहीं से हमने कहा था कि एक हमारे पास में क्या होता है विषमांगी मिश्रण होता है, बच्चों क्या होगा एक हमारे पास में होता है विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये भी हमारे पास में हो गया है कि विषमांगी मिश्रण हमारे पास में है। अब बताओ अच्छा एक हमारे पास में क्या होता है पायस होता है, क्या होता है पायस होता है। तो इसका मतलब इन चीजों को हम लोग समझ सकते हैं कि मिश्रण की कैटेगरी कितने प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, पायस क्या होता है। बच्चों अगर मैं आपको डायरेक्ट विलयन पढ़ाना शुरू कर देता तो हो सकता है कि आप लोगों की समझ में ना आता, तो मैंने चीजों को बता दिया है। ये तो ही बच्चों हमारी पिछली बात, आज से हम लोग लेकर के आगे का टॉपिक अपना चल रहे हैं कि आज का टॉपिक हमारे पास में क्या हो सकता है विलयन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों पहले मेरी बात को अच्छे से समझ करके चलना कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि विलयन हमारे पास में क्या हो सकता है। हम लोगों के यहां पर बच्चों कुछ टाइटल होता है, ये टाइटल हमारे पास में क्या होगा कह रहा है कि विलयन कितने प्रकार के हमारे पास में होंगे। तो बच्चों पहला हम लोग जो पढ़ेंगे कि कह रहा है कि यहां से विलय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं और कह रहा है कि कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। और एक टॉपिक हमको यहां से दे रहा है कि रक्त किस प्रकार का, देखो यहां से थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, कह रहा है कि रक्त की प्रकार का विलयन है, ऐसा तो होगा नहीं ना, रक्त किस प्रकार का विलयन होता है ये आपको पीपीटी में दिख रहा है बच्चों। और चीजों को अच्छे तरीके से यहां पर देख करके चलिए कि रक्त किस प्रकार का विलयन है, इसको हम लोग बढ़िया अच्छा खासा देख करके चलते हैं। मतलब बच्चों आज इस टॉपिक में हमको इस वीडियो में ये सारी चीजें पढ़नी है कि विलय के आधार पर विलयन क्या होता है, ठीक है, या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऐसे विलयन हैं जो कि विलय के आधार पर चीजें डिपेंड करती हैं। तो चलिए आज की क्लास बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक शानदार क्लास के साथ में। वीडियो को धक्का धक्का आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि एक बेहतरीन क्लास आज के आपके लिए होने वाली है। डिजायर पॉइंट पर दोस्तों केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, सभी बच्चे मेहनत के साथ में एकदम जुड़ जाओ क्योंकि इस बार 2025 का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों आज हम की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इसको पहले मैं यहां से बताऊंगा कि पहले मेरी कुछ बात आप लोग अच्छे से सुन लो। अगर आपको यहां से मैं बोलूंगा कि विलयन के कुल कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से देख करके चलना, अगर बोलेंगे कि विलयन के कुल कितने प्रकार होते हैं तो हमने कहा कि बाबू आप लोग समझ के चलोगे, तो हमने कहा कि विलयन के प्रकार, तो इसका मतलब विलयन के प्रकार कितने होते हैं, तो हम लोग हमेशा बोलेंगे कि विलयन कुल मिलाकर के कई प्रकार के होते हैं, नौ प्रकार के होते हैं। विलयन के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, नौ प्रकार का विलयन होता है। और फिर मैंने यहीं से बोल दिया कि हमारे पास में एक टॉपिक हमको यहां से ये दे देगा बच्चों, कह रहा है कि विलय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलेगा विलय के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, विलय के आधार पर कितने पर टाइप के होते हैं, तो विलय के आधार पर विलयन कितने टाइप का होगा,
पांच प्रकार का होता है। विलेय के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार का होता है। अब बच्चों अगर यहीं से हमने कहा कि एक टॉपिक और हम लोग यहां से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में यहां पर बोलेगा कि विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, क्या बोलेगा कि विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? तो विलायक के आधार पर बच्चों विलयन कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार के होते हैं। विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है विलायक के आधार पर विलयन। बोलो बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई है। एक और अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो बाबू यहां से होता है कि कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से चीजों को हम लोग देख करके समझेंगे, जान करके चलेंगे कि क्या होता है। अगला बच्चों हमारे पास में क्या पूछेगा, ये बोल रहा है कि कणों के आधार पर विलयन। अब बताओ अगर यहां से हम लोगों को दे रहा है कि कणों के आधार पर यहां से बच्चों क्या बोल रहा है विलयन कितने प्रकार का होगा, तो हमको कह रहा है कि कणों के आधार पर विलयन हमेशा कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के कणों के आधार पर विलयन होते हैं। बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो आगे चलने वाली चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से देख करके चलते हैं कि और हमारे पास में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो पॉइंट नंबर बच्चों यहां से हमारे पास में वन हो गया है, और ये हमारे पास में पॉइंट नंबर क्या हो गया? टू हो गया है, और ये पॉइंट नंबर क्या होगा? थ्री, और ये पॉइंट नंबर क्या होगा? फोर। बहुत ज्यादा बच्चों इससे भर भर करके हम लोगों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास में विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ये हर बच्चे के दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि कह रहा है कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं, विलयन के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो कुल विलयन कितने प्रकार के होते हैं? नौ प्रकार के होते हैं। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब हमने कहा कि विलेय के आधार पर विलयन कितने प्रकार का है? पांच प्रकार के होते हैं। विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। हमने कहा कि कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो कणों के आधार पर विलयन तीन प्रकार का होता है। कहे सर एक एक पूरा प्रकार हमको बता दीजिए तब जाकर के चीजें क्लियर हो जाएं। हमने कहा ये बताओ पहले प्रकार बता देंगे तो समझाएंगे कैसे। हमने कहा पहले इतना याद कर लो, विलयन कुल कितने प्रकार के? नौ प्रकार के। विलयन टोटल कितना? नौ प्रकार का। विलेय के आधार पर कई प्रकार के? पांच प्रकार के। विलायक के आधार पर कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कणों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के विलयन होते हैं। अच्छा एक बात और यहां से आप लोग समझ के रखना, इसे तो बच्चों चाहे आप लोग बोलो विलायक के आधार पर विलयन बोल करके चलो, या तो आप लोग इसी को बोल करके चलो अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? इसी को बोला जाता है अवस्था के आधार पर। अब यहां से देख करके चलना कि अगर कभी भी आप लोगों से पूछेगा कि अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अवस्था के आधार पर भी विलयन कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का होगा। तो चलिए डियर आज की क्लास हम लोग यहां से स्टार्ट कर दिए हैं कि अब विलयन का प्रकार कितने टाइप से हम लोगों के पास में आएगा। चलिए एकदम देरी न करते हुए आज की क्लास यहां से स्टार्ट है। अब बच्चों बताओ मतलब विलयन कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने कहा कि नौ प्रकार के विलयन हमारे पास में आएंगे। अच्छा सर हमको थोड़ा ये बता दीजिए कि नौ प्रकार के जो विलयन होते हैं ना, ये कौन कौन से नौ प्रकार के विलयन होते हैं? तो हमने कहा कि पहले आप लोगों को यह समझना पड़ता है कि नौ प्रकार में विलयन होगा कौन, कौन कौन से ऐसे विलयन होते हैं जो कि नौ प्रकार में हमारे पास में आने वाले हैं। तो हमने कहा कि बच्चों ध्यान से समझो, अच्छा विलयन बनता कब है? कहे सर विलेय और विलायक को मिला देते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। बच्चों दुनिया में देखना कि अगर यहां से विलयन जो हमारे पास में होता है, कई कई विलयन ऐसे हमारे पास में हो जाते हैं जो कि ठोस अवस्था में होते हैं, कई कई विलयन ऐसे होते हैं जो कि द्रव अवस्था में होते हैं, कई कई विलयन ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास में किस अवस्था में होते हैं? गैसी अवस्था में विलयन होता है। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास में कौन कौन सा विलयन हो सकता है। चलिए देरी ना करते हुए चीजों को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करके चलते हैं। बच्चों ध्यान से समझ कर चलना कि विलयन जो नौ प्रकार का है, ये कैसे हो सकता है कि विलयन नौ प्रकार के होते हैं? अब यही मैं यहां से देख करके चल रहा हूं कि जो नौ प्रकार का आप लोगों को विलयन बताया गया है, इस नौ के नौ प्रकार में आप लोगों को चीजें अच्छे तरीके से यहां पर समझने वाले हैं कि नौ प्रकार में कौन कौन सा हमारे पास में विलयन होने वाला है। देखो अब ये जो नौ प्रकार की कैटेगरी बच्चों मैंने आपको बताया है ना, एक आप बढ़िया से अच्छा खासा समझ करके चलना कि नौ प्रकार की कैटेगरी में कौन कौन सा टॉपिक आपके पास में चलने वाला है। चलिए देरी न करते हुए एक बच्चों हम लोग क्या करते हैं, समझ करके चलेंगे।
अब नौ प्रकार की कैटेगरियों में जो यहां से हमारे पास में आ रहा है, इसको नवों प्रकार में समझना। अच्छा ये बताओ, कभी आपके पास में होता है ना, एक हमारे पास में बाबू यहां से क्या होता है विलायक, एक हमारे पास में क्या होगा विलायक, और कह रहा है कि दूसरा हमारे पास में यहां से क्या बन सकता है विलेय बन सकता है। अच्छा आपको कल मैंने ये चीजें बता दिया था कि जो विलेय होता है ये विलायक के अंदर आकर के घुलता है। क्या होता है, जो विलेय होता है विलायक के अंदर आकर के क्या करेगा घुलेगा। अब जब विलेय विलायक के अंदर आकर के घुलेगा तब वो का हम लोग बाबू क्या बोल करके चलते हैं, हमने कहा कि मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक टैंक हमारे पास में क्या होगा पानी होगा, इसमें हमने यहां से मान लिया कि ये एक टैंक क्या है पानी यहां से होता है। बोलो इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, मिट जा रहा है। चलो तो इसका मतलब यहां से हमने कहा कि एक ये कोई हमारे पास में पात्र होगा बच्चों, इसमें हमने क्या डाल दिया है पानी डाल दिया है। अब कह रहा है कि इसमें जो ऊपर से विलेय आएगा, एक कटोरी के अंतर्गत मैंने यहीं से ले लिया है कि इस कटोरी में हम लोग बच्चों यहां से चीनी ले लिए हैं, ध्यान से समझना, इस कटोरी में हमने क्या ले लिया है, तो कह रहा है कि इस कटोरी के अंतर्गत हमारे पास में क्या डाली गई है चीनी। अब हमने कहा कि इस कटोरी में जो चीनी डाली गई है ना, आप लोग हमको बताओ कि जो इसमें चीनी है बच्चों, क्या इस चीनी को हम इसके अंदर डाल सकते हैं क्या, कहे सर क्यों नहीं डाल सकते हैं, तो हमने कहा कि इस चीनी को जब इसके अंदर तुम आ करके डाल दोगे तो ये बन जाएगा विलायक है और ये हमारे पास में विलेय है और विलेय विलायक के अंदर आ रहा है घुल रहा है। कहे सर सही है ठीक है, विलेय विलायक के अंदर आकर के घुल रहा है। तो हमने कहा कि बताओ ये जो विलायक दिया है तुमको ये किस अवस्था में है, तो हमने कहा कि विलायक हमारे पास में भी द्रव अवस्था में है। कहे ठीक है सर ये किस अवस्था में है, तो कह रहे हैं कि सरकार ये जिस अवस्था में अभी दिया गया है ये ठोस अवस्था में दिया गया है। बोलो किस में दे दिया गया है, ठोस अवस्था में हमको दे दिया गया है। इसका मतलब ये जब ठोस अवस्था में हमको दिया है ना बच्चों, तब इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द्रव के अंदर किसी ठोस को डाला जा रहा है। बच्चों बताओ जल्दी से, द्रव के अंदर किसको डाला जा रहा है, ठोस को डाला जा रहा है। इसका मतलब द्रव के अंदर क्या आकर के घुल गया है, ठोस। द्रव के अंदर क्या आकर के घुल गया है, ठोस द्रव के अंदर घुल गया है। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, तो द्रव के अंदर क्या डाल दिए हैं, ठोस को यहां पर डाल दिया गया है। ये हमारे चीजें इतनी पास में आ जाएंगी। अच्छा एक बात हमको यहां से और बता दो, तो हमने कहा कि सर इसका मतलब जो पानी डाला गया है द्रव के अंदर हम लोग ठोस डाल दिए हैं। कहें सर ये बताओ कि द्रव के अंदर अगर हम लोग कोई चीज क्या डाल दें, ठोस ना डाल करके अगर द्रव डाल दें, तो कह रहे हैं कि सर अगर द्रव के रूप में हम लोग पानी में इसमें क्या करें, पानी के अंदर अगर हम लोग दूध मिला देते हैं, तो हमने कहा कि अगर तुम लोग पानी के अंदर क्या मिला दोगे, दूध मिला दोगे, तो द्रव के अंदर क्या डाल दोगे, द्रव डाल दोगे। अगर करें कि सर दूध नहीं हम लोग फूंक दें उसमें, तो इसका मतलब द्रव के अंदर तुम लोग क्या डाल दोगे, गैस डाल रहे हो। इसका मतलब इस अवस्था के आधार पर जो विलयन बनता है ना बाबू, इसे हम लोग बोलते हैं नौ प्रकार का बनेगा। अब वो नौ प्रकार का कौन कौन सा हमारे पास में हो सकता है, यही चीजें हम लोग बच्चों यहां से देख करके चलने वाले हैं, तो चलिए देख करके चलते हैं। अच्छा एक बात हमको आप लोग ये बता दो, जब विलायक हमारे पास में क्या हो, कोई ठोस हो, जब विलायक हमारे पास में क्या होता है, ठोस हो, जब ठोस के अंदर हम लोग क्या डालें, कोई ठोस डाल सकते हैं कि नहीं। अगर कह रहा है कि ठोस के अंदर कोई हम लोग कैसे डालते हैं, एक थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा ध्यान से देख करके चलना बाबू, इसका मतलब कह रहा है कि ये जो हमारे पास में विलायक है, जो बाल्टी में यहां पर हम लोग रख करके चले, ध्यान से समझना, कह रहा है कि ये एक बाल्टी है, ये बाल्टी अगर हमारे पास में क्या होगी, हमें कोई ठोस चीज रखा है, तो विलयन हमारे पास में जब ठोस में कोई हम लोग कैसी चीज डाल देते हैं, जब ठोस में हम लोग क्या मिलाएं, ठोस मिलाएं, जब ठोस के अंदर हम लोग क्या मिलाएं, द्रव मिलाएं, और जब ठोस के अंदर हम लोग क्या मिलाते हैं बाबू, गैस मिला सकते हैं। तो विलयन जब विलायक हमारे पास में क्या हो, ठोस के अंदर क्या डाला जाए, ठोस, तो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा। जब ठोस के अंदर द्रव डाला जाए तो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा, अगर ठोस के अंदर गैस डाली जाए तो भी बाबू एक प्रकार का विलयन बनता है। इसका मतलब कह रहे हैं कि हमारे पास में ये हमारे पास में नंबर एक यहां से समझ लेते हैं। अगर इसी का पॉइंट नंबर हम लोग टू समझेंगे, जब कह रहे हैं कि विलायक हमारे पास में द्रव अवस्था में हो, ध्यान समझो, विलायक कह रहा है कि किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में हो, जब द्रव के अंदर कोई ठोस डाल दिया जाए बाबू,
द्रव के अंदर कोई क्या डाल दिया जाए, ठोस डाल दिया जाता है तो भी विलयन बनेगा। जब द्रव के अंदर कोई क्या डाल दिया जाता है, द्रव डाल दिया जाए तो भी विलयन बनेगा। जब द्रव के अंदर कोई हमारे पास में गैस डाल दी जाती है तो भी एक प्रकार का विलयन बन जाता है। इसका मतलब विलायक जब द्रव हो और विलेय उसमें ठोस भी हो सकता है, विलेय उसमें द्रव भी हो सकता है, विलेय उसमें क्या हो सकती है, गैस भी हो सकती है। और यहीं से हमको एक बात और बता रहा है कि यहां पर जितनी चीजें होती हैं, एका हम लोग देख करके चलेंगे। अब बताओ जितनी चीजें यहां पर हमको चलेगा, तीसरा नंबर वाला हमको कह रहा है कि जब विलायक हमारे पास में गैस के रूप में हो, जब गैस में क्या डाल दिया जाता है, गैस में अगर हम लोग डालते हैं बाबू ठोस, क्या डालेंगे ठोस, गैस में अगर हम लोग क्या डालते हैं, द्रव डालेंगे। अगर कह रहा है कि गैस में हम लोग क्या चीजें मिला देते हैं, अगर गैस मिलाते हैं तो, जब गैस में क्या डालेंगे ठोस, गैस में हम लोग क्या डालेंगे, गैस। और कह रहा है कि यहीं से हम लोग इसके अंदर जितनी चीजें हम लोग मिला करके चलेंगे, इसमें मिलने वाली सारी चीजें हमारे पास में क्या बन जाती हैं, बोलो। तो इसका मतलब बाबू जितनी चीजें हम लोगों के पास में से लेकर के चलेगा, सारी चीजों को हम लोग यहां से क्या करते हैं, समझ करके चलेंगे। अब आने वाली चीजें बहुत बेहतरीन है, चलिए इसको हम लोग देख के चलते हैं। तो विलयन को जो मैंने यहां से प्रकार बताया, इस प्रकार में मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसमें यह बताया कि विलयन का जितना प्रकार आप लोगों को दिख रहा है, ये सारे में बाबू आपको क्या दिख रहा है, कह रहा है कि जब चीजें हमारे पास में ठोस के अंदर क्या डाल दिया जाए। देखो ये निशान इधर की ओर का आएगा, जितना यहां पर आपको निशान दिख रहा है ये सारा निशान बाबू इसके नीचे की ओर ही यहां से आने वाला है। कह रहा है कि इसको यहां से हम लोग देख करके चलेंगे, तो कह रहा है कि जिसका आएगा इसके अंदर ठोस आएगा। देखो इसका मतलब ठोस को डाला जा रहा है ठोस में, द्रव को डाला जा रहा है ठोस में, और गैस को डाला जा रहा है किसमें, ठोस में, तो भी हमारे पास में विलयन बन करके जाएगा। कह रहा है कि जब द्रव के अंदर क्या डालें हम लोग ठोस, तो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा। जब द्रव के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, तो कह रहा है कि द्रव के अंदर जो डाला जाए द्रव, तो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा। और यहां से हमको कह रहा है कि जब द्रव के अंदर क्या डाल दिया जाए सरकार, तो कह रहा है कि द्रव के अंदर अगर हम लोग क्या डाल देते हैं, गैस डालेंगे, तो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा। अगर कह रहे हैं कि गैस के अंदर, ध्यान से ये बाबू मैंने गैस लिख करके चला है, अगर जिन लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो, कह रहे हैं कि ये चीजें हमारे पास में क्या चलेंगी, ये गैस यहां से हमने लिख करके रखा है। कह रहा है कि जब विलायक हमारे पास में किस रूप में हो, गैसीय अवस्था में हो। अब कह रहे हैं कि गैस के रूप में अगर ये हमारे पास में दिया है, तब एका हम लोग यहां से समझेंगे। तो कह रहा है कि ये वाला हमारे पास में क्या हो, जब विलायक हमारे पास में गैस हो और विलेय ठोस में है, मतलब ठोस आकर के गैस में घुले तो भी एक प्रकार का विलयन, जब गैस के अंदर द्रव आकर के घुले तो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा, और जब कह रहा है कि गैस के अंदर गैस आकर के घुले तो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहें हां सर बात तो समझ में आ रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितनी सारी चीजें इसके अंतर्गत हमारे पास में आ रही हैं, जो भी टॉपिक आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, ये सारा का सारा एक प्रकार का क्या बनेगा, विलयन बन करके जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहें सर पूरी की पूरी बात हमको समझ में आ जा रही है। अच्छा चलो अब हम लोग यहां से देख करके चलते हैं। कह रहा है कि जब विलायक हमारे पास में क्या हो, ठोस हो। ध्यान से देखो, अगर इधर की कैटेगरी को हम लोग देख करके चलेंगे, तो ये जितनी कैटेगरी है पूरा हमारे पास में विलायक कहलाएगी। ये जो सिंगल सिंगल है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, विलायक। और ये जो कैटेगरी लिखा है हमने, क्या कहलाएगा, विलेय कहलाता है। अब बाबू यहां से अगर कहेगा कि जितनी चीजें हमारे पास में यहां पर हैं, ये कह रहा है कि जब कोई ठोस चीज हो, ठोस में क्या डाल दिया जाएगा, हमेशा देखो, जब विलायक की अवस्था ठोस हो, उसके अंदर चाहे ठोस डालें, चाहे द्रव डालें, चाहे गैस डालें, हमेशा जो हमारे पास में विलयन तैयार होगा, वो विलयन हमेशा ठोसी विलयन तैयार होता है। बोलो कैसा विलयन तैयार होगा, तो कह रहे हैं कि यहां से ठोसी विलयन तैयार होता है। बाबू इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो हमेशा विलयन कैसा तैयार होगा, ठोसी विलयन तैयार होता है। जब विलायक की अवस्था द्रव होगी, उसमें चाहे ठोस डालें, चाहे द्रव डालें, चाहे क्या डालें, गैस डालें, इस प्रकार जो हमारे पास में विलयन बनेगा, उस विलयन को हम लोग बोलते हैं कि कैसा विलयन बनेगा, द्रवीय विलयन बनकर के चलेगा। इसका मतलब इससे ज्यादा चीजें आसान नहीं हो सकती हैं। कह रहा है कि जब गैस के अंदर क्या आ जाए, जब विलायक की अवस्था गैस हो, तो इस प्रकार बने विलयन को हम लोग
कैसा विलयन बोलते हैं? यहां से गैसीय विलयन बोलते हैं। बोलो कैसा विलयन बोला जाएगा? गैसीय विलयन बोला जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं? जब विलेय हमारे पास में क्या हो? ठोस हो, तब विलयन कैसा कहलाएगा? ठोसी। जब विलायक हमारे पास में क्या हो? द्रव हो, तब विलयन कहलाएगा द्रवी। जब विलयन विलायक हमारे पास में गैस हो तो विलयन कहलाता है गैसीय विलयन कहलाएगा। बोलो क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? जब इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आगे सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आएंगी। चलो इसका मतलब बाबू, अगर विलयन कितने प्रकार के होते हैं तो हमने कहा कि विलयन जो होता है टोटल 9 प्रकार का होगा। एक तो जब ठोस और ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, 3 हो गया। द्रव में कह रहा है ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में किसका विलयन? गैस का विलयन। यह भी एक प्रकार का कैसा विलयन है? द्रवी विलयन होगा। कह रहा है कि गैस के अंदर किसका? ठोस का विलयन। यह भी एक प्रकार का विलयन है। गैस के अंदर क्या घुल जाए? द्रव, तो भी कैसा विलयन बनेगा? द्रवी। जब गैस के अंदर क्या घुल जाए? गैस, तो भी कैसा विलयन बन जाएगा? गैसियस विलयन कहला देता है। बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो हमने कहा कि जितनी चीजें यहां पर हमारे पास में है तो विलयन के आधार पर जो टोटल विलयन कितने प्रकार के हैं, तो टोटल विलयन 9 प्रकार के होते हैं। एक तो हमने कहा कि क्या होगा? ठोस में ठोस का विलयन। जब विलायक की अवस्था ठोस हो, बाबू परिभाषा कैसे लिखोगे? जब विलायक की अवस्था ठोस हो और विलेय की अवस्था भी ठोस हो तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग ठोस ठोस का विलयन कहते हैं। जब विलायक की अवस्था ठोस हो और विलेय की अवस्था द्रव हो तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? ठोस, क्या बोलेंगे? यहां से द्रव का ठोस में विलयन बोला जाएगा। कह रहा है कि जब विलायक की अवस्था ठोस हो और घुलने वाला विलेय की अवस्था गैस हो तो गैस का क्या बोलेंगे? ठोस में विलयन बोला जाता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब बाबू हम लोग ये चीजें इतनी समझ के चल सकते हैं कि ये हमारे पास में है विलायक और ये है विलेय। टोटल विलयन कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। अभी केवल मैं आपको एक बार घुमा करके टहला करके बता रहा हूं कि टोटल विलयन के प्रकार कितने प्रकार के हैं। 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अच्छा, अब हमको ध्यान से समझ करके चलना होगा। और ये अभी आप लोग मत देखना, मैंने तो केवल अवस्था बता दिया है कि ये कितने प्रकार के विलयन है। अच्छा बताओ, मैंने ठोसी विलयन किसके आधार पर बता पाया? किसके आधार पर ठोसी विलयन बता पाया? कह रहा कि जब विलेय विलायक हमारे पास में ठोस हो तब विलयन होगा ठोसी, जब विलायक द्रव हो तो विलयन होगा द्रवी, और जब विलायक गैस हो तो विलयन कैसा होता है? गैसीय विलयन होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि विलायक के आधार पर विलयन है। यही है 3 प्रकार का विलायक के आधार पर विलयन। एक का हम लोग अभी अच्छे से सीख लेते हैं। कुछ तो आपके दिमाग में माइंड मैप बन ही गया होगा कि हमारे पास में जितनी चीजें आ रही हैं ये कैसी होगी और क्या क्या चीजें बन सकती हैं। चलो अब बाबू, अगर यहां से कह रहा है कि तो टोटल जो विलयन 9 प्रकार के हैं, इसमें कह रहा है कि किसी ठोस के अंदर, हमने कहा किसी ठोस में ठोस को डाल दिया जाए, हमने कहा कि जब किसी ठोस में अगर ठोस को डाल देंगे तो किस प्रकार का विलयन बनेगा? पहला मैं बता रहा हूं, कह रहा है कि जब हमारे पास में यहां से क्या होता है? विलायक हो और यहां से हमारे पास में क्या हो बाबू? विलेय हो। जब विलायक की अवस्था भी कैसी होती है? ठोस होती है, और विलेय की अवस्था भी कैसी होती है? ठोस होती है। जब विलेय विलायक दोनों की अवस्था ठोस हो, इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो ठोसीय विलयन बनेगा। बोलो कैसा विलयन बनेगा? ठोसीय विलयन बन सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमने कहा कि ठोसीय विलयन बनेगा, बात सही है, जब विलायक भी ठोस हो, विलेय की अवस्था भी ठोस हो, जब ठोस ठोस में जाकर के घुले तो इस प्रकार के विलयन को कैसा विलयन बोला जाता है? ठोसीय विलयन बोला जाता है। अब बाबू अगर हमको बोलेगा कि ठोसीय विलयन, अच्छा उदाहरण हमको देकर बताओ। हमने कहा कि बताओ मिश्र धातु समझते हो कि नहीं? कह सर मिश्र धातु क्या होती है? दो धातुओं को जब आपस में मिला करके किसी नई धातु का निर्माण करेंगे, इस प्रकार बनने वाली धातु को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोला जाता है। अब हमने कहा कि सरकार मिश्र धातुएं होती क्या है? एक बार आपको मैं बता दूं कि ये चीजें हमारे पास में क्या है? मिश्र धातु हो सकती है। अब बताओ अगर कहीं से भी आप लोग चीजें समझ करके चलोगे कि हमारे पास में मिश्र धातु क्या होती है, एक चलो हम देख के चलते हैं। अब मिश्र धातु क्या होती है? मतलब जैसे कभी सोना देखे हुए ना बने हुए। अब सोना जब बना हुआ देख लेते हो आप लोग कि सोना हमको आज मिलने वाला है और सोना हमारे पास में क्या है? बना है। तो सोना एक प्रकार की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। अब बाबू जो सोना मिश्र धातु आपको दे करके रखा हुआ है, इसको हमने कहा कि बताओ सोना
अगर ये सोना मैंने आपको दे दिया, अगर मैं सोना बोलता हूं और सोना का आभूषण अगर कोई बन जाता है, जैसे हमने कहा सोने का बना हुआ एक मंगलसूत्र है, हम अपनी शादी में अपनी वाइफ के लिए सोने का मंगलसूत्र लेकर के जाएंगे, कहें वाह 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 सर, एक तो सब लेकर के जाते हैं, कौन सी नई बात कर रहे हैं आप, बताओ शादी में अगर सोने का मंगलसूत्र लेकर के हम जाएंगे तो सब लोग देख करके खुश हो जाएंगे, कहें नहीं सर मंगलसूत्र तो सोने का ही चलता है। हमने कहा मंगलसूत्र सोने का है, ये सब जान रहे हैं कि मंगलसूत्र सोने का बना है, लेकिन ये बात केवल हमको और सुनार को पता है कि मंगलसूत्र सोने का नहीं बना हुआ है। किसको पता है? सुनार को पता है कि मंगलसूत्र जो है सोने का नहीं बना हुआ है, इस सोने में उसने मिक्स किया है तांबा। क्या मिक्स किया है? तांबा। कहें क्या बात कर रहे हैं सर, सोना में तांबा कहां मिला होता है, हम तो सोने का भाव खरीदते हैं 60,000 रुपए का 10 ग्राम, मतलब एक तोला खरीदते हैं। मम्मी हमारी भैया की शादी में भाभी को देने के लिए खरीदी हैं, क्या खरीदी हैं? मंगलसूत्र खरीदी हैं। तब भाई साहब आज समझा देते हैं कि दुनिया में जितनी महिलाएं बहुत खुश होती हैं कि हमारे पास में भाई साहब मैं सोने का मंगलसूत्र पहन ली हूं, उस सोने का मंगलसूत्र नहीं पहने हैं। अब बताओ जो सोने का मंगलसूत्र पहना गया है, उस सोने के मंगलसूत्र में तांबा मिला हुआ है। क्या सर? तांबा मिला हुआ है। हमने कहा हाँ भाई हाँ, उस मंगलसूत्र में तांबा मिला हुआ है। अब जो सोने का मंगलसूत्र है वो में तांबा कैसे मिला है? हमने कहा कि सोना बहुत ही मुलायम धातु होती है। अब समझ लो वो इतनी मुलायम होती है, अगर उसका कोई स्टेप साइज बना करके दे दिया जाएगा, किसी लड़की की अगर शादी होगी, अब बताओ शादी में उस लड़की को मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, अब उस लड़की की शादी में जो मंगलसूत्र दे दिया गया है ना, उस मंगलसूत्र का हमने कहा कि यही होगा। चलो भाई इसमें क्या होती है, काली काली मोतियां होती हैं, अब मोतियों की माला यहां पर बना देते हैं। अब बताओ ये जो मंगलसूत्र यहां पर इस लड़की को बना करके दे दिया गया है, ये लड़कियां जो मंगलसूत्र यहां से पहनेंगे, बताओ अगर ये प्योर सोने का होता, वो अपने गले में लटका करके मंगलसूत्र को पहनती तो मंगलसूत्र नहीं ये मंगल सुई बन जाती लटक करके एकदम से, ये देखो रात भर का पहने रहती, अगर बेचारी सुबह उठती तो मंगल सूत्र नहीं मंगल सुई बन जाती। कहें सर क्या बात करें, ये मंगल सुई इसलिए बन जाती, इतना मुलायम धातु सोना होता है ना, एक अगर हम लोग इसे पकड़ के टांग देंगे ना तो ज्यादा देर तक टांगा रहे तो एकदम पकड़ के चुई करके क्या होता है, सीधा हो जाता है। जैसे आप लोग आटा की लोई, कभी तुम्हारे घर में जो रोटी बनती है अगर आटा बहुत गील हो जाता है, ओका उठा के पकड़ लेते हैं एकदम तन नहीं जाता है, कोई आकार में ओका ढाल सकते हैं, एकदम जब गीला आटा हो जाता है ओका जैसे उठाएंगे जिस आकार में ढालेंगे उस आकार में वो चला जाता है। तो इसी प्रकार से सोना होता है, इतना मुलायम होता है कि इसे जिस आकार में ढाला जाता है उस आकार में नहीं रह पाता, कुछ टाइम पर ही एकदम से क्या होता है, ये सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब सोने का मंगलसूत्र अगर प्योर सोने का बना होगा तो वो किसी एक आकार में नहीं रह पाएगा, वो हमेशा क्या करेगा, सीधा हो जाएगा, चाहे जिस आकार में ढाल दो वो क्या हो जाएगा, सीधा। अब बताओ बेचारी दुल्हनिया यहां पर जो ये मंगलसूत्र पहनी होगी, ये का मंगलसूत्र का हाल हो जाएगा बिट्टी, तो मंगलसूत्र का यहां से जो हाल हुआ है बड़ा ही बेहाल हो गया है, ये मंगल सुई बन गई है भाई साहब। देखिए मतलब ये मंगलसूत्र का हाल होता है। कहें सर सोना इतना ज्यादा मुलायम होता है? हमने कहा हाँ बाबू सोना एकदम क्या होता है, मुलायम होता है। अब सोना मुलायम होता है इसलिए सोने को कठोर बना देना है, तब तो अगर हम दिल बना देंगे तो बन जाएगा दिल, अगर हम लोग तलवार बना देंगे तो बन जाएगा तलवार, अगर बना देंगे झुमका तो बन जाएगा झुमका। अब हमने कहा कि मेरा झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में कहाँ आएगा ना, तो इसका मतलब कह रहा है कि अब ठोस बन जाएगा। अब बाबू यहां से कह रहा है कि मुलायम अगर सोना है उसे कठोर बनाना है, तो सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिला देते हैं। बोलो क्या मिलाएंगे? तांबा मिला दिया जाता है। इसका मतलब सर सोने को कठोर करने के लिए तांबा मिला देते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही, सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा मिला देते हैं, इसलिए सोने को जिस डिजाइन में ढाल दिया जाता है वही डिजाइन में सोना रहता है। नहीं तो पता चला दुल्हा का शादी हो रही है, ले गए ओका अंगूठी पहना रहे हैं और अंगूठी एकदम से क्या हो गई, सीधी हो गई, दुलावा गुस्सा करके उतार के इसे मींच के फेंक देगा, मतलब अंगूठी क्या हो गई, खराब हो गई है। समझ में आया ना? तो बाबू एक बात तो समझ में आ गई कि सोने को कठोर बनाने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है, तो सोने को कठोर बनाने के लिए हमें तांबा मिलाना पड़ता है। कहें सर इसका मतलब ये होगा हमारे पास में सोना? हमने कहा हाँ बाबू ये तुम्हारे पास में क्या होगा, सोना, और प्लस ये हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, तांबा होगा। हमने कहा कि ये तुम्हारे पास में क्या है, तांबा है।
सोने और तांबे के मिश्रण को जब तुम क्या करोगे, मिलाओगे, तो सोना और तांबा मिल करके एक नए मिश्रण का निर्माण करते हैं, एक नई धातु का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोला जाता है। कहें सर लेकिन जो सोना एक है, मतलब सोने का बना आभूषण प्योर सोना नहीं है, वो मिश्र धातु होता है। कहें सर जी मम्मी हमारी झुमका पहनती है, इसका मतलब हमने कहा मम्मी तुम्हारी झुमका पहनती है ओमा तांबा मिला है। कहें सर इसका मतलब जो मंगल सूत्र होता है वो मंगल सूत्र भी क्या होता है, तांबा होता है। कहें सर घर में हमारे पीतल का बर्तन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पीतल का बर्तन रखा हुआ है। कहें भैया की शादी हुई, वो पीतल का बर्तन बहुत पा गए हैं। हमने कहा चलो ये भी समझ लो पीतल का बर्तन, बाबू जो आपके भैया ने शादी कर लिया है वो जो जिस पीतल के बर्तन को पा करके इतना खुश है, चलो हम लोग देखते हैं कि उस पीतल के बर्तन में क्या क्या चीजें उसमें डाली गई हैं और क्या क्या उस चीजों को उसमें इस्तेमाल किया गया है। चलो ध्यान से समझ करके यहां से चलना बाबू, इस पे तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। देखो अब जिस पीतल के बर्तन का इसमें निर्माण हुआ है, अब कह रहे हैं कि बाबू अगर हमारे पास में पीतल का निर्माण कैसे होता है, तो हमने कहा कि जिस पीतल का निर्माण होगा एक हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल को याद करो आप लोग पिताजी, किससे याद करके चलो, पिताजी बहुत ज्यादा फेमस ट्रिक है। पीतल को याद करने के सबसे फेमस ट्रिक क्या है, पिताजी। हमने कहा कि पिताजी सबसे फेमस ट्रिक अगर यहाँ पर ये है इसको पीतल को याद करने की, तो चलो हम लोग याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि पी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो पीतल क्या होता है, पीतल होता है। अब हमने कहा कि ता का मतलब क्या होता है, तांबा होता है, किससे होता है, तांबा होगा। और जी का मतलब क्या होता है, जिंक होता है, क्या होता है, तांबा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से जिंक होता है। तो इसका मतलब यहां पर हमको कह रहा है कि अगर किसी भी हम लोग किसको मिला देते हैं, अगर यहां पर हमको कह रहा है कि तांबा और जिंक को कभी मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाएगा। तांबा और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। इसका मतलब ये चीजें तो हम लोग बता सकते हैं कि तांबा और जिंक को मिलाने पर हमेशा क्या बनता है, पीतल बनता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है सब लोगों की, नहीं तो क्या बोलेंगे, तांबा प्लस अगर जिंक को मिलाया जाएगा तो पीतल का निर्माण होता है। इसका मतलब सर पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, हमने कहा हाँ पीतल एक प्रकार की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। इतनी बातें समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो सोना होता है चांदी होता है, सोना होगा सोना प्योर, लेकिन सोने के बने आभूषण ये क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। तो जितनी प्रकार की मिश्र धातु होती हैं, अच्छा ये बताओ पीतल में से क्या तुम तांबा निकाल करके अलग कर लोगे, पीतल में से तांबा निकाल करके अलग कर लोगे, जिंक को निकाल करके क्या पीतल में से अलग कर लोगे, कहें सर नहीं कर सकते हैं। सोने में से अगर तुम लोग कह रहा है कि जो सोना है ये मिश्र धातु बना है, सोने में से क्या तुम निकाल सकते हो जो हमारे पास में तांबा होता है और जो सोना होता है, नहीं छांट सकते ना। इसका मतलब ये चीजें हमारे पास में क्या हो जाती है, ये मिश्र धातु होती है, विलयन एक प्रकार का है। अब बताओ दोनों को जब मिला देते हैं तो मिलाने के बाद ठोस नहीं बन जाता है, एक मतलब एक प्रकार का क्या होता है, विलयन ही हमारे पास में होगा। देखो एका बनाने का प्रोसेस कैसे होता है, तो हमने कहा कि मिश्र धातु बनती कैसे है, एका हम लोग थोड़ा देख करके चलते हैं। अब मिश्र धातु का निर्माण, अब बाबू यहां से जो हमारे पास में मिश्र धातु का निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसको हम लोग थोड़ा देख करके चलते हैं। तो बाबू जिस मिश्र धातु का यहां से निर्माण हो गया है, एक ध्यान से पहले समझो, यहां पर हमने कहा कि मिश्र धातु का निर्माण, बाबू ध्यान से समझ करके चलो, यहां से मिश्र धातु का निर्माण, अब कह रहा है कि जिस मिश्र धातु का हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, वो कैसे मिश्र धातुएं हमारे पास में बन सकती है। तो हमने कहा कि मिश्र धातु ऐसे बन सकती है, पहले सोना ले लेते हैं, सोने को इतना ज्यादा गर्म करते हैं, इतना बाबू गर्म करते हैं कि वो एकदम पिघल करके क्या बन जाता है, पानी बन जाएगा। अब हमने कहा कि सोने को गर्म करके इतना गर्म कर लिए कि सोना पिघल के एकदम पानी बन गया, और एक साइड में क्या ले लेते हैं, तांबा लेते हैं, तांबा को इतना गर्म करते हैं कि पिघल के दोनों पानी बन गया, और जब दोनों पानी पानी बन गया ना, का दोनों किसी एक तिसर के पात्र में मिला करके मिश्रित कर देते हैं अच्छे से, फिर तनिक रख देंगे ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद जो आपको मिल गया है वो क्या होता है, जो ठंडा होने के बाद में मिला वो आपका कहला देता है कि क्या होगा, मिश्र धातु होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है, इसका मतलब वो चीजें क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहला देंगे। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, और शॉर्ट वीडियो में बहुत क्या करते हैं, बियर वगैरह की बोतल को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अब बियर वगैरह की बोतल इकट्ठा करने के बाद में एक भट्टी
इकट्ठे मिले जाएंगे, कलछुल से किसे पकड़ से पकड़ करके गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद में दोनों को मिला देते हैं, बालू में डाल देते हैं, तसला बन जाता है, बालू में सांचा बना करके हथौड़ी बना लेते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार का गला रहे हैं ना। तो धातुओं को इतना ज्यादा गला दिया जाता है कि हमने कहा कि अगर ये हमारे पास में क्या होगा सोना, तो सोने को एकदम गर्म करके पिघला करके क्या बना लेते हैं, पानी का मतलब सोने को पिघला करके द्रव बना लिया जाता है। अगर हमने कहा कि हमारे पास में क्या होता है तांबा होता है, तो तांबे को एकदम पिघला करके क्या बना लेते हैं द्रव। अब दोनों द्रवों को आपस में क्या करते हैं मिला करके रख देते हैं, और मिला करके जब दोनों द्रवों को आपस में रख देंगे तो एक प्रकार का हमारे पास में यहां से क्या तैयार हो जाता है, मिश्रण तैयार होता है। और इस प्रकार जो यहां से मिश्रण बना हुआ है, यह मिश्रण हमारे पास में मिश्र धातु कहला देता है। बोलो, अब हमने कहा कि अगर ये पीला पीला है बाबू, तो इसका मतलब पीला पीला है तो ये हमारे पास में क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। देखो, अगर यहां से चीजें हमने ले लिया कि ये हमारे पास में क्या होगा, सॉलिड पीला पीला यहां पर हमको देख करके रखा है, अगर ये सोने का हमारे पास में क्या होता है कण होता है, तो अब बताओ जो सोने का यहां से क्या है कण है, ये देखो सारा सोने का कण यहां पर डाला गया है। अब जितना सोने का कण होगा, यही सोने के कण के बीच में किसका कण यहां से आ गया है, किसका आ जाएगा, तांबा का आ जाएगा। अब तांबा हमने कहा कि मान लो हल्का लाल होता है, लेकिन होता नहीं है। अब यही के बीच में क्या है, बीच बीच में यहां पर तांबा डाला गया और आपको दिखाई नहीं देता है, तो आपको ज्यादा कलर बहुत कम तांबा होता है। अब बहुत कम तांबा होगा तो आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा। सोना कितने कैरेट का बनता है, तो कह रहे हैं कि सर 24 कैरेट का सोना बनता है। सोना कितने का बनता है, 24 कैरेट का सोना बनेगा। आप कह रहे हैं कि सोना अगर 24 कैरेट का बन रहा है, तो उस 24 कैरेट के सोने में आप लोगों को कैसे दे दिया जाएगा, आपको वो 24 बनाएगा लेकिन आपको वो देगा क्या, उसमें कह रहा है कि 22 कैरेट का कहेगा, भाई साहब मैं आपको एकदम 22 कैरेट का सोना दे रहा हूं, और 22 कैरेट उसमें क्या मिलाएगा वो सोना, और दो उसमें मिला देता है क्या होगा तांबा, और 22 दो टोटल मिला करके हो कितना गया आपके पास में, 24 हो जाता है, 24 हो जाता है। अब बताओ आपके दोस्त ने आपके साथ में छल किया कि नहीं किया, तो अगर कभी भी सुनार अगर आपको बोल देता है कि भाई साहब हम आपको एकदम प्योर शुद्ध सोना देंगे, कहेंगे ना सरकार ना ना ना, हमको शुद्ध सोना मत देना, हमको मिला करके देना काम चलेगा, लेकिन 18 कैरेट का मत ले लेना। अगर बाबू आप लोग 18 का ले लोगे तो वो तांबा कितने का मिलाएगा, 4 का, तब जा करके मैटर कितने पे तैयार होगा, 24 पे तैयार होगा। तो कई कई सोने होते हैं वो एकदम लाल एकदम हमको दिखा देते हैं, एकदम एकदम क्या होता है, जैसे हल्दी वगैरह होती है, कभी सब्जी वगैरह गिर जाए तो हल्का लाल में आ जाता है, तो सोना उस प्रकार का होता है। इसका मतलब उसमें तांबे की मात्रा क्या है, ज्यादा मिली है। अगर वो बहुत ज्यादा ठीक तरीके से दिख रहा है आपको, पीला दिख रहा है, येलो दिख रहा है, लाल कलर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो सोना क्या होता है, हमारे पास में बेस्ट सोना होता है। इसीलिए जो 18 कैरेट वाला सोना होता है ना, उस सुनरवा कहता है कि अच्छा वहां पर सोना ले लिए, अगर हमारे पास में आए होते ना तो तब तुमको हम बहुत सस्ते में सोना दिलवा देते। इसका मतलब ऐसे आप लोग भी देखोगे ना, बहुत सारी चीज खरीदने के बाद में लोग कहते हैं कि हमारे पास में आते थे हम तुमको सस्ते में दिलवा देते। तो सोना हमारे पास में क्या होता है, मिश्र धातु होता है। पीतल एक प्रकार का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। जिंक एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, गन मेटल, जाने हो ना जिसका मतलब गन मेटल, तो इसका मतलब क्या होगा, गन मेटल, तो इसका मतलब बंदूक बनाने में जो मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है वो हमारे पास में क्या होगा, एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। जो रेल की पटरी बनाई जाती है, रेल की पटरी काहे नहीं पचक जाती है, आपके यहां जो इंगल आते हो का पीटते हैं कूटते हैं तो पचक जाता है, रेल की पटरी काहे नहीं पचकती है, तो रेल की पटरी एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। स्टील का बर्तन होते, देखो स्टील का हमारे पास में बॉटल रखी गई है, इसका मतलब यह क्या है, मिश्र धातु है। स्टील जितनी होंगी सब क्या होती है, मिश्र धातु होती है। तो मिश्र धातुएं जितने प्रकार की है सब एक प्रकार का विलयन है। थाली क्या होता है सर, हमने कहा कि यह क्या होता है, मिश्र धातु होता है, विलयन होता है। सर फूल की थाली क्या होगी, विलयन होता है। लोटा क्या होगा, विलयन होता है। अच्छा स्टील लोहा है कि नहीं, स्टील लोहा होता है, लेकिन चुंबक क्यों नहीं पकड़ता है, आप लोग थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ। इसी चैप्टर में आप लोग जानोगे कि स्टील हमारे पास में क्या होता है, लोहा होता है, और लोहा होते हुए भी स्टील में चुंबक नहीं पकड़ता है। क्यों चुंबक नहीं पकड़ता है, कई सारे लोग सोचते होंगे कि स्टील क्या होता है, दूसरा कुछ होता है, लेकिन स्टील एक प्रकार का लोहा होता है जिसमें चुंबक नहीं पकड़ता है। ऐसा क्यों नहीं पकड़ता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीजों को जानेंगे, और अपने जवाब को कमेंट में दें कि स्टील लोहा है या स्टील ही है या और क्या चीज है। इस क्लास को एकदम धमाकेदार देखने के लिए अगले वीडियो को दोस्तों जरूर देखें। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से रहें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत में एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।